जब लुटेरों से भिड़ गई बहादुर बेटी। तीन लुटेरों के अकेले छुड़ाए पसीने। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। जी हाँ, ये तस्वीरें सूरत की एक ज्वेलरी शॉप की है, जहाँ तीन लुटेरे शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आते हैं। तीनों लड़के कंधे पर बैग लटकाए हुए थे। काफी देर तक गहने देखने के बाद एक घटना को अंजाम देने लगते हैं, लेकिन दुकान में मौजूद लड़की इनके इरादे को भांप जाती है और नीचे बैठकर इमरजेंसी सायरन बजा देती है और लुटेरे को पकड़ने की कोशिश करती है। कुछ देर तक एक लड़का लड़की से हाथापाई भी करता है और कुछ ज्वेलरी लेकर फरार हो जाता है। आज बपोरना डिंडोली पोलिस स्टेशन हद में एक लूटनो बनाव बनेलो छे। रंगीला पार्क नी सामे कोठारी ज्वेलर्स नामनी ज्वेलर्स नी शॉप आवेली छे। तेमा फरियादीबेन ज्योति इंद्रसेन जैन बैठेला हता। ते दरमियान त्रण इसमो तेमा बीटी जोवी छे एम करीने आवेला ने अर्धो कलाक सुधी रिंग जोवा माटे जुदी जुदी रिंग्स मगावी। इस वारदात के बाद ज्योति ने तुरंत 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही मौके वारदात पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। साथ ही 4 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी के जरिए 3 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही लुटेरों के पास से मौजूद लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया। एक इसम शॉप ने अंदर बेन पासे जाई अने एमने दबोची ले अने लूट करवानो प्लान करेलो, परंतु बेन नी सतर्कता ना हिसाबे तेमने जे शॉप मा सायरन सिस्टम हती ते वगाड़ी देता सायरन वागता आरोपीओ मा भागदौड़ मची गयेली। तो छेले तेओ एक मंगलसूत्र लईने नासी गयेला। त्यारबाद भी बेने 100 नंबर पर फोन करी अने पोलिस नी मदद मांगता पीसीआर पहुंची गयेली। जिस तरह से इस बहादुर बेटी ने अकेले तीनों लुटेरों के इरादों को नाकाम किया, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। ज्योति ने अकेले दम पर लुटेरों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। ज्योति ने ये साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कमजोर नहीं हैं।